मध्य प्रदेश में करीब 13 साल बाद एक बार फिर पांचवी और आठवीं के एग्जाम्स बोर्ड पैटर्न पर होंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2008 में दोनों ही क्लास में बोर्ड पैटर्न हटा दिया गया था। इस बार प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पांचवीं में करीब 15 लाख और आठवीं में 14 लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगे, यानी जिला स्तर पर पेपर तैयार होगा। एग्जाम के बाद उत्तर पुस्तिकाएं दूसरे स्कूल में चेक होने के लिए जाएंगे और फिर से रिजल्ट भी निकलेगा और बच्चे फेल भी होंगे। उन्होंने पास होने का दो बार मौका भी मिलेगा। प्रत्येक अकादमिक वर्ष में अंत में दोनों क्लासेस की वार्षिक परीक्षाएं होंगी। इसका प्रावधान मध्य प्रदेश राजपत्र में 2 मार्च 2019 में पब्लिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संशोधन में प्रकाशित है। परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को दोबारा पेपर देने का मौका दिया जाएगा। इसमें भी फेल होने वाले छात्रों को उसी कक्षा में रोके जाने का जो है प्रावधान है। प्रति छात्र देय शुल्क का भुगतान स्कूल करेगा। यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि परीक्षा के नाम से छात्रों से अलग से शुल्क स्कूल नहीं वसूलेंगे। सत्र 2021-22 में मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पांचवी व आठवीं के लिए वार्षिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की गई थी। प्रदेश के स्कूलों में सत्र 2022-23 में यानी इसी साल से सरकारी स्कूलों में साथ साथ मान्यता प्राप्त निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर पांचवी और आठवीं के लिए बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश राज्य अपन द्वारा पेपर तैयार किए जाएंगे। इसके सेट सभी जिलों के शिक्षा जो है अधिकारी के ऑफिस भेजे जाएंगे। इसके बाद यह पेपर स्कूलों को दिए जाएंगे। परीक्षा के बाद कॉपियां जिलों के दूसरे दूसरे स्कूलों में जो है जांच के लिए भेजी जाएगी। एक साथ रिजल्ट जारी होने के बाद ऑनलाइन रिजल्ट देखा जा सकेगा। इसमें एमपी बोर्ड की तरह ही बच्चों को कॉपी देने से लेकर अंक सुधरवाने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री की परीक्षा दी जाएगी।